अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि पोलैंड का जो वर्क परमिट आपको रिसीव होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, उसको वेरीफाई करने का क्या तरीक़ाकार है, और जब वो वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद क्या तरीक़ाकार है, वो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसको थोड़ा डिटेल में बना दें, तो उसको मैं डिटेल में आज बना रहा हूँ कि इसका वर्क परमिट को किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, ये आप वेबसाइट देख लें econsulate.gov.pl। यहाँ से आके हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये पोलिश लैंग्वेज में, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी जो वेबसाइट है ये इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। मैं ये कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, तो ये पी बना हुआ है पाकिस्तान के, यहाँ पर पी पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे कंट्रीज आ गई। इन कंट्रीज में से पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद ये एम्बेसी को सिलेक्ट करना है। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको कंप्लीट प्रोसीजर का पता चले। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे वीज़ा मेन्यू में आ जाना है। वीज़ा मेन्यू में हमारे पास दो ऑप्शन है, नेशनल वीज़ा, वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और शेंजन वीज़ा। हमने नेशनल वीज़ा पे करना है, नेशनल वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। ये हमने कैप्चा फिल करना है, कैप्चा भी फिल हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ सर्विस में हमने वर्क को लिए दो हैं, नेशनल अदर वीज़ा और नेशनल वीज़ा वर्क। हमें वर्क को सिलेक्ट करना है, लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इस्लामाबाद ही आ रही होगी, इस्लामाबाद पे क्लिक करना है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही एम्बेसी है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये कंप्लीट प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा समझा दूँ, ये ना पाकिस्तान में ड्रा होता है, ड्रा सिस्टम है। जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं अपनी वीज़ा उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए, तो ड्रा होता है। अब ये बता रहा है कि जो नेक्स्ट ड्रा होगा, एक ड्रा तो आज ही है, आज सैटरडे है तो एक ड्रा आज ही है, जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा 10 तारीख को उस, ये नेक्स्ट ड्रा बता रहा है कि इस डेट को नेक्स्ट ड्रा है, और उस नेक्स्ट ड्रा में जो अपॉइंटमेंट निकलेंगी वो इन डेट्स में अपॉइंटमेंट निकलेंगी। यानी कि 10 तारीख को जो ड्रा होगा उसमें जो अपॉइंटमेंट्स निकलेंगी वो जनवरी में निकलेंगी, यानी वो जनवरी के अपॉइंटमेंट मिलेंगी, जनवरी 9 से लेकर जनवरी 13 तक। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज ओपन हो गया, ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया सारा। ठीक है, इसको हमने करना है फिल, इसको मैं डमी फिल करूँगा। तो सबसे पहले आपने ना अपना पासपोर्ट पकड़ लेना है, जो पासपोर्ट के ऊपर आपका सर नेम लिखा होगा, यानी फ़र्ज़ करें मेरा नाम है मोहम्मद अली। ठीक है, और तो मेरा सर नेम होगा अली और फर्स्ट नेम मेरा होगा मोहम्मद। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल लिखना है, ईमेल मैंने अपना सही लिखा है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि मेल कैसे आती है। यहाँ पे आपने नंबर 4 पे अपना फ़ोन का लिखना है, यानी पाकिस्तान का जो ज़िप कोड है वो है 92। यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, यानी ये नंबर लिख लिया। ये वाला जो पोर्शन है डिटेल रिगार्डिंग ट्रैवल, इसमें भी ये पहले पूछा कि आपने डेट ऑफ ट्रैवल टू द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, कि आपने जाना कब है। अभी जब मैंने आपको ये फॉर्म शुरू होने से पहले जो मैंने आपको डेट बताई थी कि नेक्स्ट ड्रा कब हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ड्रा आपकी जो डेट निकल रही थी वो लास्ट डेट निकल रही थी 13, ठीक है, 13 जनवरी। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैं ये डेट यहाँ पे वो ही डेट डालनी है कि जिस डेट को आपने पोलैंड में जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं जो डेट डालता हूँ वो मैं डालता हूँ क्योंकि 13 को हो रही है अपॉइंटमेंट, और 15 दिन बाद वीज़ा में आपका पासपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, 15 दिन का मैं गैप रख के तो मैं 31
को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि इस डेट को मैंने वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे वापस आने की डेट आपने वो पूछा कि वापस कब आना है। तो ये जो डेट होगी, ये जिस डेट को आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है वो आपके वर्क परमिट के ऊपर लिखी होती है डेट, ये आपने वो ली डेट यहाँ पे डालनी है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। चलो मैं आपको साथ साथ ना दिखा देता हूँ, ये एक मैं वर्क परमिट ओपन करता हूँ यहाँ से, ये लिखी होती नीचे डेट, ये डेट लिखी हुई नीचे, इस डेट से वैलिड शुरू होगा और इस डेट पे ये ख़त्म होगा, यानी 24/1/2022, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये डेट लिखनी है जिस डेट को आपका एक्सपायर हो रहा है। फ़र्ज़ करें मेरा एक्सपायर हो रहा है September 30 में, ये इस डेट को मेरा एक्सपायर हो रहा था, यहाँ पे मैंने वो लिखना है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, ये पासपोर्ट नंबर आ गया। और यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट की टाइप लिखनी है, वो बतानी है कि कौन सी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सर्विस पासपोर्ट होगा, अगर आप कहीं काम करते हैं किसी एम्बेसी वगैरह में तो आपका स्पेशल पार्ट होगा, अगर आप नॉर्मल हैं यानी कि आप सिंपल आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या कोई सिंपल प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपने यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, ये चीज़ हो गई। अब ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। इसमें आपने ना देखना कि आपका वर्क परमिट किस टाइप का आपका वर्क परमिट है, ये सारी टाइप्स हैं, इसको देख के ये वाला आपने फिल करना है। इन सबको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं बंद कर दूँ, ये ओपन कर लिया, ये भी ओपन कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी हो गया, ठीक है। अब हमने इसको करना है फिल, इसको हमने फिल करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, और पांच ऑप्शन, यही वाली ऑप्शंस आ रही हैं, पांच ये वाली ऑप्शंस, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। आपने इनको ओपन करके देख लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपने देख लेना कि आपका वर्क परमिट किस टाइप का है, इस तरह का, ये आपने ये चीज़ देखनी है, ये टाइप ए है, इस तरह का है, ये भी टाइप ए है या इस तरह का, ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वाली, ठीक है, या इस तरह का है या ये इस टाइप का आपका वर्क परमिट है, क्योंकि ये सीजनल है, उसके अलावा ये एक साल के हैं, दो साल के हैं, ये सारी टाइप्स के वर्क परमिट आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी टाइप्स के वर्क परमिट हैं। इन सबको आपने देख लेना है, और आपने देखना आपका वर्क परमिट किस टाइप का है, यानी किस, तो उस तरह से आपने ना इसको ना क्लिक करना है। फर्ज करें मेरी टाइप है सी, ये मेरी टाइप है सीजनल वर्क परमिट के लिए, ठीक है, ये वाला है तो मेरा ये वाला है, मेरा ये खुल गया वर्क परमिट। अब ये वाला मेरा वर्क परमिट है, फर्ज करें, तो इसको जब मैंने फिल करना है इस पे मैंने ये वाला नंबर लिखना है 462/2021, यहाँ पे मैंने ये नंबर लिखूँगा 462/2021, ठीक है। अगर तो मेरा इस टाइप का वर्क परमिट है, अगर मेरा इस टाइप का वर्क परमिट है तो यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगा 7/2022K/2022K। अगर मेरा इस तरह का होगा तो मैं ये वाला नंबर लिखूंगा, ये नंबर बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर लिखना है, ठीक है, तो ये हो गया। अगर मेरा इस तरह का होगा नंबर, इस तरह का वर्क परमिट होगा तो ये नंबर लिखा हुआ ऊपर, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये नंबर ये मैंने लिखना है। अगर मेरा उस तरह का, इस तरह का अगर मेरा वर्क परमिट होगा तो वहाँ पे मैंने ये नंबर लिखना है, यानी P स्मॉल A कैपिटल O, ठीक है,
slash 08 20 21 20/21/ यानी आपको समझ आ गया कि इस तरह का ये नंबर मैंने लिखना है। और अगर मेरा इस तरह का होगा वर्क परमिट, तो यहाँ पे बिना नंबर मैंने ये वाला नंबर लिखना है अगर इस टाइप का होगा। और अगर होगा इस टाइप का मेरा वर्क परमिट, तो फिर मैंने ये नंबर लिखना। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, तो यही नंबर ये लिखा होता है, ये सेम नंबर यही वाला यहाँ पे लिखा होगा। अब एक भाई का सुबह मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, उनका वर्क परमिट था ये वाला, ठीक है। तो उनका यहाँ पे ए लिखा हुआ था, वो ये ए भी वो साथ ही लिख रहे थे, हालांकि ये ए को साथ में नहीं लिखना, जितना जितना अंडरलाइन हुआ है उतना उतना ही करना है, यानी 4-6-2 से वो आगे करना है। और दूसरा ये कि उनका वर्क जो उन्होंने वर्क परमिट के लिए पासपोर्ट दिया हुआ था, वो पासपोर्ट था एक्सपायर होने वाला, उन्होंने नया पासपोर्ट बनवा लिया और उसके बाद वो नए पासपोर्ट से अप्लाई कर रहे थे। जो वर्क परमिट के टाइम आपने पासपोर्ट दिया है, उसी पासपोर्ट पे ही आपका ये फॉर्म फिल होगा। अगर आपने उसके बाद नया पासपोर्ट बनाया, तो नया पासपोर्ट आपने नहीं लगाना, ये पुराना ही लगाना, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी आपको समझ आ गई होगी, जो ग्रीन वाली लाइन है ना, जिस चीज़ जहाँ जहाँ ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन वाले आपने यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आ गई डेट ऑफ इशू, कि ये किस डेट को इशू हुआ है और किस डेट को ये ख़त्म होगा। तो इस वर्क परमिट पे इशू हुआ है ये वाली डेट को, जो रेड लाइन है 23/12/2000 में आपको पता है, ये इशू डेट पे आपने ये वाली डेट लिखनी है और वैलिड इस डेट तक है, ठीक है। और यहाँ पे इशू हुआ है ये 5 को और वैलिड है ये 24 को, ये वाली डेट लिखनी है। और इस पे को ये है डेट ऑफ इशूंस रेड वाला, ठीक है, वो वैलिड है इस डेट तक, ठीक है, इस डेट को इशू हुआ है और इस डेट तक वैलिड है। और इस केस में भी ऐसा ही है, इशू हुआ है इस डेट को और वैलिड है इस डेट तक, यानी ये रेड वाली डेट आपने लिखनी है इस वाले पोर्शन में, ठीक है, इस वाले पोर्शन में लिखनी है रेड वाली डेट, और ये वैलिड वाली जो डेट है वो येलो वाली लिखनी है, येलो वाली, ये वाली, ठीक है, ये येलो वाली डेट है, ये येलो वाली डेट है, ठीक है, ये येलो वाली डेट है, ठीक है, और इशू वाली डेट ये रेड वाली इशू वाली डेट है, ये वाली डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। और ये जो लिखा ना इशूड बाय, यहाँ पे आपने ये नंबर लिखना ब्लू वाला, ये लिखा 32U W0 32, ये यहाँ पे आप ये नंबर देखना, यहाँ पे 32 आ गया, 32 यहाँ शुरू हो गया, क्या नंबर था, 32 UW, ये आ गया 32 UW0 और ये आ गया 32 UW0। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना इस तरह, ठीक है। इस पोर्शन में ये है 14 U0 W0, ठीक है, ब्लू वाला, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ 14, यहाँ पे आपने इसको सर्च करना है, ये आ गया 14, ये 14, ये आ गया 14 UW0। इस तरह हर एक में ना ब्लू, जो ब्लू वाला है ना, ये आप देख रहे हैं ब्लू, ये आ गया 8060, ठीक है, ये आ गया उसके अलावा 0214, इस तरह 0214, ये आ गया 0214, ये आ गया 02140, ये आ गया 0, ये वाला था 02140, ठीक है, इस केस में ये आ गया। तो ब्लू वाला आपने यहाँ पे फिल करना है।
ठीक है। उसके बाद आपने इसको चेक लगा देना है, कंटिन्यू कर देना है। इसमें मैंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की, वो फिल नहीं किया हुआ था, सॉरी ये मैंने फिल नहीं किया हुआ इसलिए वो कह रहा है। ये मैंने फिल कर दिया, अब इसको कंटिन्यू करूँगा, इसको सेव करेंगे, ठीक है। ये इसने मुझे बता दिया कि आपको ना मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगी। मेल में जाके मेल चेक करते हैं, ये अभी मुझे मेल आ गई कंफर्मेशन की, जो मैंने अभी फॉर्म फिल किया। इस पर क्लिक करूँगा, इसमें लिंक आया है, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो लिंक पे वो मुझे बता रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, आप अपने 48 आवर्स वेट करना है। ये उसमें लिंक आएगा, लिंक विल बी सेंड टू मी टू प्रोवाइड द कंप्लीट फुल वीज़ा एप्लीकेशन। वो अपने वीज़ा एप्लीकेशन को फुल, जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको फिल करने के लिए आपको लिंक आएगा। तो मेल में ही आपको सब कुछ होगा। अब आपकी अगर तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो आपने ना दोबारा उसको अप्लाई कर लेना है। अगर एक्सेप्ट होता है तो आपको लिंक आ जाएगा, लिंक आएगा, लिंक में आपने फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करना है। उसकी मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, तो ये सारा तरीका था फॉर्म वगैरह फिल करने का, किस तरह आपने फॉर्म को फिल करना है। और अगर तो आपसे फॉर्म फिल ना हो, या आपके आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, या आप ये फॉर्म हमसे फिल करवाना चाहें, तो हम भी इसके इस फॉर्म को फिल कर देंगे। और इसके बाद जो लिंक का है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी हम फिल कर देंगे। इसके हमने एक थोड़े से चार्जेस रखे हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी ने भी पोलैंड का या रोमानिया का इनके यहाँ एक एक कंट्री हो रहा है, उसके हमारे पास रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, तो अगर किसी को भी पोलैंड का या रोमानिया का और क्रोशिया का किसी को वर्क परमिट चाहिए हो तो वो हमसे रابطہ कर सकता है। स्क्रीन पे मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है और ये मिस्टर मोहम्मद बिलाल का नंबर है, जो इन वर्क परमिट्स को जो ये डील करते हैं, आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। आप YouTube का के रेफरेंस से, आप मेरे रेफरेंस से इनसे बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह काम हमारा एक नंबर होता है, जो लोग हमसे बात करना चाहें। तो मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए थी कि आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया जाए कि किस तरह वर्क परमिट को वेरीफाई किया जाता है। थैंक यू सो मच।